है आपसे मांगा नहीं गया, वो श्रद्धा है। यहाँ ऐलान करते हैं मेरे भाई, यहाँ ऐलान करते हैं। अबे अबे मत कर भाई, ठीक है? अबे अबे मत कर भाई। आपने उसके बाद बोला, आपने उसके बाद बोला कि घर में भी मंदिर रखे जा सकते हैं, वहाँ भी पूजा हो सकती है। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? लोगों ने दिया, सरकार ने दिया, 3,500 करोड़ आया मेरे भाई। आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी सब ने दिया है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है। चलो आज गूगल करते हैं कि कहां से किसने दिया पैसा। अगर नहीं हुआ यही माफी मांगोगे आप? 1780 करोड़, 3,500 करोड़ आया जो अभी भी रखा हुआ है। 900 करोड़ रुपए अभी लगे हैं, अभी और लगेंगे भाई। 22 तारीख को राम मंदिर बनने वाला है, पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। उस पर आप कैसे देख रहे हो? राम मंदिर जो बनने वाला है, हर्षोल्लास है, उसको कैसे देख रहे हो आप इस तरीके से? देखिए, हर्षोल्लास का माहौल है, वो बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। काफ़ी समय बाद, कम से कम भी नहीं तो 32 साल बाद, 34 साल बाद जो आ रहे हैं उनके मन में खुशी आ रही है। 1992 के बाद से जो हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में सब जगह आ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मंदिर बना करके आप इतना खर्चा कर रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपये आप लगा दिए हैं, वो बात आप सोने की वहाँ पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, कुछ कुछ लेकर आ रहे हैं, वो सब चीज़ से राम जी नहीं आएगा। भगवान तो वहाँ भी आते हैं जहाँ गरीब की झोपड़ी में वास होता है, वहाँ तक भगवान जी आते हैं। राम भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं मिलेंगे, आपके मन में, मेरे मन में, जहाँ जितने लोग हैं सबके मन में मिलेंगे। सिर्फ मंदिर से ही उसका वो नहीं होता। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 1200 करोड़ का उनका बजट है न्याय यात्रा का। आपको लगता है कि न्याय यात्रा की जगह वो भी कुछ और करते तो ज़्यादा अच्छा था? 1200 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता। देखिए, अभी वो विपक्ष में है, जो कर रहे हैं वो अपने धन से कर रहे हैं, अपने पैसा से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कोई जनता का पैसा नहीं है इसमें। वो 1200 करोड़, वो जो उनके विधायक दल है, नेतागण हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, जहाँ भी उनकी सरकार है, वहाँ के पैसा से कर रहे हैं, वो किसी से जनता का पैसा मांग कर नहीं कर रहे हैं। कि जो मंदिर में जो पैसा लगा है ना, एक सिंगल रुपया किसी सरकार का, किसी विधायक का नहीं लगा है, ठीक है ना? अच्छा, ये वो डाटा तो जानते हैं, जो उसकी यात्रा का डाटा जानते हैं सारा, ठीक है ना? वो डाटा इनको पता है, पता नहीं कहाँ से मिल गया। मंदिर का डाटा इनको नहीं पता, ऐसा क्यों होता पाजी? मंदिर का डाटा है, आप भी जाकर के एक बार पढ़ लीजिए कितना डाटा है। पढ़ा, कौन सी किताब में आपने पढ़ा? 1780 करोड़ मात्र चंदा आया, 1780 करोड़ आया है, आपको पता होना चाहिए। 1780 करोड़ चंदा आया है, 3,500 करोड़ आया जो अभी भी रखा हुआ है, 900 करोड़ रुपए अभी लगे हैं, अभी और लगेंगे, समझे ना? और कौन सी किताब में, कौन से अखबार में लिखा है, अगर आप यही बता दो ना। सुनो, आप मुझे यही बता दो कि ये पैसा, अरे चलो आज गूगल करते हैं कि कहां से किसने दिया है पैसा। अगर नहीं हुआ यही माफी मांगोगे आप? 1780 करोड़ रुपए, 1780 करोड़ रुपए जो है मात्र चंदा का आया है, बाकी विधायक ने दिया है, सरकार लगा रही, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से लग रहा है, जनता का पैसा है। जनता को बता देना चाहिए कि तुम्हारा पैसा लगाया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमने किया है, कांग्रेस का। इनको पता है कि कांग्रेस का मतलब इनके विधायकों ने, इनके उन्होंने दिया है। मतलब अबे दोगलापन भी तो, मतलब कोई तरीका भी तो होता है दोगलेपन का, है दोगलापन ये होता है, तरीके से आप लॉजिक दो। इनके पास लॉजिक है नहीं, पता है नहीं कहाँ पे लिखा था, कहाँ से इन्होंने पता किया, गूगल पे कैसे आ गया, गूगल पे से हो गया। ये रहा नेट मेरे भाई, रिचार्ज डाल देना, डाल दो, डाल दो, क्योंकि पेमेंट तो बहुत आई है, क्योंकि पेमेंट तो बहुत आई हुई है ना कांग्रेसियों पे। लो 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 मेरे भाई, ले टाइप करो। किस तरीके से बोल रहे हो मैं कांग्रेसी हूं? अरे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको कांग्रेसी नहीं बोला, टाइप करो। यहाँ कोई बात नहीं, कहना है कि हॉस्पिटल वगैरह बनवाए थे उसमें पैसों से तो ज्यादा सही रहता। अरे मैं कुछ गलत सच कर दूंगा, कहना है उसके पैसों से हॉस्पिटल बनवाए तो ज्यादा सही रहता। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये रहा गूगल, और पैसे भी है इसमें, क्या टाइप करूं? आपको नहीं आता क्या टाइप करूं? आपको नहीं आता क्या? कितना चंदा है देखो, 17। अरे ये नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ। मैं कह रहा हूं चंदा आया कहां से, मैं वो बात कह रहा हूं। लोगों से आया है, हाँ हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि लोगों ने दिया, सरकार ने दिया, 3,500 करोड़ आया मेरे भाई। आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी सब ने दिया है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना? और कांग्रेस का तुम्हें एग्जैक्ट पता है, कांग्रेस का मेरे भाई को, कि कहाँ कहाँ से आया है, ये कैसे पता लग जाता है? राहुल गांधी आपके घर आया था बताने के लिए? कांग्रेस पार्टी के हूँ मैं, यहाँ कोई पार्टी को लेकर नहीं आया, यही लोग हैं जो पार्टी और धर्म का वो करते हैं। तो कुछ नहीं बोला, यहाँ से मंदिर की बात चल रही थी, मंदिर की प्राण के बीजेपी के बारे में, ऐसे आया है मंदिर के लिए, ऐसे आया। मंदिर से क्या दिक्कत है अगर मंदिर बन गया तो? आपने तो बोला कि घर में भी, आपने बोला घर में भी बहुत खुशी का, नहीं आपने उसके बाद बोला, आपने उसके बाद बोला कि घर में भी मंदिर रखे जा सकते हैं, वहां भी पूजा हो सकती है। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी?
ऐसे तो हमारे गुरुद्वारों में भी बहुत बहुत पैसा खर्च हुआ है। आपने कभी बोला उस पर? आपने कभी बोला मैं भी जाता हूँ, मैं भी देता हूँ? देने का मतलब ये होता है कि मैं उन पे आरोप लगाऊं? आपने दिया? देने का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, कहाँ, कौन सा? अब बताओ, अब ये प्रूफ मांगेंगे, अब बताओ ये उस पर मांगेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, जब बंगला साहिब में जाओगे ना, 1 करोड़ लंगर खाते हैं डेली, 1 करोड़ लोग भारत में लंगर खाते हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट खाते हैं। जब बंगला साहिब में जाओगे ना अंदर, तो वहाँ पे कोई पर्ची नहीं कट रही होती अंदर, आप अंदर। वो अपनी श्रद्धा है, आपसे मांगा नहीं गया, वो श्रद्धा है। यहाँ ऐलान करते हैं मेरे भाई, यहाँ ऐलान करते हैं, अबे अबे मत कर भाई, ठीक है, अबे अबे मत कर भाई, यहाँ ऐलान करते हैं। आपको बस दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि मंदिर कैसे बढ़ गया, दिक्कत इन्हें ये है कि मंदिर कैसे बढ़ गया। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत मंदिर से है इन्हें, और इतनी मिर्चे हैं इन्हें मंदिर से कि मोदी ने कैसे बनवा दिया। इनके इतने गुरुद्वारे बन गए, सोने की परतें चढ़ी हुई हैं, किसी ने तो नहीं कहा। कोई भी हिंदू, हर हिंदू बंगला साहिब में जाके देख लेना, शायद सिख से ज़्यादा हिंदू होंगे वहाँ पे, और कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारी ही अपनी कौम है, हमारे ही पंथ हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, सब अपने सब सारे एक हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये लोग कहाँ से उठ के चले आते हैं, क्या ऐसा हो गया है, ऐसी कौन सी आफत आ गई है, क्या कौन सी घुट्टी पिला दी है इन्हें जो ये आज विपक्ष में खड़े हो। ये वही कौम है जिसके लिए एक आदमी 2% है, 2% के लिए वो आदमी पगड़ी पहन लेता है, लेकिन 30% के लिए उसने कभी टोपी नहीं पहनी जाली वाली। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को तो कम से कम, ठीक है ना। तो और अफगानिस्तान से कितने सिख भाई आए भाग के, सबको शरण दी, कितने सम्मानजनक, बढ़िया से हर तरीके से सहयोग। जब भी यार पता नहीं क्या किस उसमें ये रहते हैं, तो समझना चाहिए आज खुशी का माहौल है, पूरे देश में राम मंदिर की गूंज उठ रही है, और राम मंदिर का इतना स्वागत हर उसको करना चाहिए, हर धर्म के तबके को पूरे मन लगा के करना चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों की मेहनत के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर कोई केवल ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने धर्म को रखना ही पड़ेगा आगे। जहाँ धर्म मिट गए हैं ना, जहाँ संस्कृति खत्म हो गई है, वो देश खत्म हो गए हैं। तो राम मंदिर कोई केवल पूजा करने की पद्धति नहीं है, जीवन जीने का तरीका सिखाएगा आपको राम मंदिर। और ऐसे हजारों हॉस्पिटल चला रहे हैं मंदिर, पता होना चाहिए लोगों को, ऐसे हजारों विद्यालय चला रहे हैं मंदिर, सब लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन केवल क्योंकि मोदी बनवा रहा है इसलिए दिक्कत हो गई है उनको।